कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो लेकिन बताई नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है आरजू साहिबा। मेहमत, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उस रात जब तुम आए थे और मैंने तुमसे स्पेशल गेस्ट की बात की थी ना। यार, सनम साहिबा की फैमिली कितनी इंटरेस्टिंग है ना। मेहमत, रफीक अंकल थे ना, क्या आदमी है यार वो रफीक अंकल। क्या तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते? उन्होंने तो मुझे एक पाँव पे खड़ा होने का ऑर्डर दे दिया था। हेलो, क्या क्या हुआ? कोई बुरी खबर है क्या? ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, प्लीज मुझे आके छोड़ दो। आरजू, कहाँ जाना है मुझे बता दो, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। आरजू, मुझे हेल्प करने दो तुम प्लीज। ये पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू। आरजू। हाँ बोलो। आज के बाद मुझे तुम अपने पर्सनल मसाले बताने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अब हम क्या करेंगे? सनम, ये पैसे चोरी होने का मामला अचानक कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता आरजू, मुझे क्या पता। ठीक है, परेशान नहीं हो, मैं कुछ सोचती हूँ। हमें कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पता चल गया कि पैसे चोरी हुए तो ये भी पता चल जाएगा कि हम नकली फैमिली लाए थे यहाँ। हमें तो शुरू से ये काम नहीं करना चाहिए था। वाह ओजान साहब, पैसे चोरी करें और मुसीबत सारी हमारे ऊपर आ जाए। ओजान साहब, अब मैंने क्या कर दिया? कसम से डरा दिया। आरजू, क्या बात हो रही थी? काम के मुतालिक बात कर रहे थे कि कल ऑफिस में क्या करना है हमने। ठीक है, तो फिर क्या फैसला हुआ? आरजू डियर, तुम बहुत वर्कहोलिक हो गई हो, तुम्हें घर जाना चाहिए। हम बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है? मुझे टेक्स्ट करना। औजान साहब, क्या आप अपनी जान के साथ अपनी वेकेशंस प्लान नहीं कर रहे? यार सनम, मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे नहीं सुनना।